नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और हमारी मार्केट लाइव की इस खास पेशकश में आज सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं शुगर की, यानी कि चीनी की। खबर निकल के सामने आई है कि सरकार चीनी मिलों को बड़ी राहत देती हुई नजर आ सकती है। नजर डालते हैं पूरी खबर पर। तो पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने के लिए सरकार की ओर से चीनी मिलों को राहत दी जा सकती है। दरअसल 2021-22 में सरकार की ओर से जहां 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है, वहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए चीनी मिलों को राहत संभव है। इसके अलावा सरकार की ओर से डाइवर्जन और बिक्री के दिशा निर्देश की समीक्षा भी की जा रही है, जिसको लेकर चीनी मिलों के लिए गाइडलाइंस को आसान बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी मिलों को पर्यावरण नियमों में छूट भी दी जा सकती है। इसके अलावा कोटा और बढ़ने का प्रस्ताव में दिया जा रहा है। चीनी का कोटा उनके पास मौजूदा स्टॉक निर्यात के प्रदर्शन और चीनी के इथेनॉल में बदलने के आधार पर तय किया जाता है। दरअसल पेट्रोल का सस्ता करने के उपाय के तौर पर पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाने का ऑप्शन सुझाया गया था। इसके अलावा इसे चीनी मिलों की ओर से गन्ना किसानों को समय रहते भुगतान ना करने की प्रॉब्लम को खत्म करने में इफेक्टिव बताया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य है, लेकिन फिलहाल तो पेट्रोल में 10% ही इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार चीनी मिलों को राहत दे सकती है। दरअसल 100 किलो गन्ने की पेराई से 60 लीटर तक इथेनॉल मिलता है। इसी तरह 1 टन गन्ने से चीनी मिले 115 किलो चीनी और 45 किलो शीरा को प्रोडक्शन करती हैं, जिससे 10.8 लीटर इथेनॉल मिलता है। क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ऐसे में वह खाड़ी समेत तेल के निर्यात करने वाले देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार इसको लेकर कोशिश कर रही है। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जो चीनी मिले हैं वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में अपना योगदान देने के लिए 10% का जो योगदान देंगी सरकार का लक्ष्य यानी टारगेट पूरा करने के लिए, उससे को लेकर सरकार चीनी मिलों को बड़ी राहत दे सकती है। क्योंकि जो भारत है वो पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जिसकी वजह से अगर विदेशों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम घटते बढ़ते हैं तो उसका असर भारत में बड़ी पैमाने पर देखा जाता है। और वही उसी का नतीजा है कि आज कच्चा तेल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में तेज होने की वजह से भारत के पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, अपने उच्चतम स्तर पर हैं। 100 रुपये के पार तो हम पहले ही देख चुके हैं और लगातार बढ़ोतरी 35-35 पैसे की हमने इस कारोबारी सप्ताह काफ़ी ज़्यादा देखी भी है। तो अब इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रही है। हाल फिलहाल में 10% का टारगेट रखा गया है, 10% का कि 10% एथेनॉल की ब्लेंडिंग यानी मिलावट पेट्रोल में की जाएगी, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम कुछ सस्ते किए जा सकें। और वहीं सरकार का साल 2025 तक 20% का पेट्रोल में ब्लेंड इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है।